तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका यूपी खबर जानकारी न्यूज में। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह के सभी मुख्य समाचार ताज़ा टुडे ब्रेकिंग न्यूज को। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें। उत्तर प्रदेश में बेटियों के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार दे रही है 15,000 रुपए। सीएमयू में बोले सीएम योगी, 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी सरकार, यूपी बनेगा शिक्षा का नया केंद्र। खुशखबरी, पीएम किसान का नहीं मिला पैसा तो अब मिलेगा, 1 मई से सरकार शुरू करेगी ये बड़ा काम। उत्तर प्रदेश के हर प्राइमरी स्कूल में होगी बिजली, डिजिटल पढ़ाई और चलेगी स्मार्ट क्लास, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। यूपी में बारिश हवा से फसलों को नुकसान, अभी आगे भी संकट, 20 और 21 मार्च को तेज बारिश की है आशंका। बिजली कर्मचारियों की यूपी में हड़ताल खत्म, बैठक में निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने पर बनी सहमति। उत्तर प्रदेश के बरेली में अरशद के साले सद्दाम के खाते से लेन देन में फंसा गुड्डू अरेस्ट, लल्ला गद्दी के दो गुर्गे भेजे गए जेल। उत्तर प्रदेश में भूमिहीनों को उजाड़ा जा रहा, ओम प्रकाश राजभर बोले, 2024 के चुनाव में हम भी लहराएंगे अपना झंडा। अवधेश राय वाले कांड में माफिया मुख्तार अंसारी की ऑनलाइन पेशी नहीं हो सकी, अब 20 से शुरू होगी बहस पर सुनवाई। अलीगढ़ में कोल्ड स्टोरेज में आलू का रखने का शुल्क हुआ तय, सादा और शुगर फ्री आलू के भंडारण की यह है फीस, योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। 5 नहीं अब सप्ताह में 6 दिन चलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस, सोमवार को भी चलेगी ट्रेन। अनुसूचित जाति को सम्मान दे रही योगी सरकार, डॉक्टर लालजी प्रसाद बोली, गाँव में बनेगा अम्बेडकर उत्सव धाम। उत्तर प्रदेश की आगरा में रील बनाने के लिए प्लेटफॉर्म पर दौड़ाई थी कार, वीडियो वायरल होते ही गिरफ्तार। यूपी में बिजली हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर वारंट जारी किया था, कर्मचारियों को दिया है निर्देश। अखिलेश के साथ नहीं रहना, भाजपा में ले लो, केशव मौर्य का दावा, सपा के 50 से ज्यादा विधायक मेरे संपर्क में। उत्तर प्रदेश में मायावती ने हटाए बसपा के सारे प्रवक्ता, कहा जो भी बोलेगा पार्टी की राय नहीं। उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज दुर्घटना में 14 लोग चल बसे, अब तक 30 घंटे तक चला रेस्क्यू, 4 लोग गंभीर, घायलों को हाल जानने पहुंचे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में नौकरी से निकाला तो 15 कारों पर डाला तेजाब, नोएडा में पार्किंग में लगे सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पेंट और शीशे हुए खराब। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अतीक मुख्तार जैसे माफिया की अशगाह बनी यूपी की जेल, 2G 3G जैमर पर भारी पड़ रहे अपराधियों के 5G नेटवर्क, 3600 सीसीटीवी को दे रहे हैं चकमा। रावण से भी बड़ा है सलमान का अहंकार, हत्या करना ही मेरा लक्ष्य, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल से नया इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रामनवमी के दिन जलेंगे 11 लाख दीपक, मनाया जाएगा चित्रकूट गौरव दिवस, मध्य प्रदेश में 6 और यूपी में 5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। भदोही में 21 गोवंश के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, ट्रक में भरकर भेजा जा रहा था पश्चिमी बंगाल, कई जिलों में दर्ज है मुकदमे। यूपी के एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितता, 230 पात्रों को स्वीकृत हुआ आवास, डीएम के आदेश पर 2 के खिलाफ FIR। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पंचर लगाने वाले छाप रहा था नकली नोट, 20, 50, 100 और 200 रुपए के फर्जी नोट बनाकर गड्डी व फुटकर में चलाता था 2 महीने तक छापे नोट। चलिए बड़ी खबरों को जानते हैं विस्तार से, उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रामनवमी के दिन जलेंगे 11 लाख दीपक। जी हाँ दोस्तों, चित्रकूट में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुमार बहादुर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें रामनवमी को चित्रकूट गौरव दिवस मनाए जाने की रणनीति बनाई गई है, जिसमें 11 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश परिक्षेत्र में 6 लाख और यूपी में 5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। वहीं कामदगिरी खोही परिक्षेत्र में 2.5 लाख व रामघाट में 2.5 लाख दीपकों को जलाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज वाले दुर्घटने में 14 लोग अब तक चल बसे, 3 घंटे तक चला रेस्क्यू, सीएम योगी पहुंचे हाल जानने। यह उत्तर प्रदेश के संबल में हुए कोल्ड स्टोरेज वाले दुर्घटने में आज मलबे से 25 लोगों को बाहर निकाला गया है, इनमें से 14 लोग चल बसे हैं, जबकि 11 लोगों को मुरादाबाद के TMU में एडमिट कराया गया है, जहां से 7 लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। DIG शलभ माथुर ने यह जानकारी दी है कि रेस्क्यू खत्म हो गया, अब कोई भी व्यक्ति मलबे में दबा नहीं है। वही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भर्ती घायलों का हालचाल जानने TMU पहुंचे हैं। मायावती ने हटाए बसपा के सारे प्रवक्ता, कहा जो भी बोलेगा पार्टी की राय नहीं।
जी हाँ दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने आज ऐलान किया है कि जब तक नए मीडिया सेल का गठन होने तक कोई भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। मायावती ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि बसपा द्वारा पार्टी की मीडिया सेल का पुनर्गठन प्रस्तावित है। इस परिस्थिति में नए मीडिया सेल का गठन होने तक अब कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। अतः श्री धर्मवीर चौधरी सहित पार्टी के जो भी लोग मीडिया में अगर अपनी बात रखते हैं तो वह उनकी निजी राय होगी, पार्टी का अधिकृत वक्तव्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ नहीं रहना, भाजपा में ले लो केशव मौर्य का दावा, सपा के 50 से ज्यादा विधायक मेरे संपर्क में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के 100 से ज्यादा विधायक वाले पोस्ट पर पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा के आधे से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं। वे अखिलेश यादव का साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। 50 से ज्यादा विधायक मिल चुके हैं। अगर इतनी बड़ी पार्टी चलाकर अखिलेश यादव को ये पता नहीं है तो उन्हें फिर इस बारे में पता करना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या पहुँचे। इस दौरान उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में यह जानकारी दी है। यूपी में अनुसूचित जाति को सम्मान दे रही योगी सरकार, डॉक्टर लालजी प्रसाद बोले गांव में बने गांव अम्बेडकर उत्सव धाम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 1336 आदर्श ग्राम डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम के रूप में विकसित होंगे। इनमें से 28 गांव वाराणसी के हैं। वह उत्सव धाम ग्राम सभा की सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, बाल शिक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान को गति देंगे। यह जानकारी आज उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम व भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने दी है। उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने का शुल्क हुआ तय। सादा और शुगर फ्री आलू के भंडारण की यह है फीस। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ के कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण का शुल्क निर्धारित हो गया है। पिछली साल की अपेक्षा शुल्क में इस वर्ष 12 मामूली बढ़ोतरी की गई है। कोल्ड स्टोरेज में सादा आलू के भंडारण शुल्क में 10 रुपए और शुगर फ्री के लिए 15 रुपए की वृद्धि की गई है। यूपी में भूमिहीनों को उजाड़ा जा रहा, ओम प्रकाश राजभर बोले 2024 के चुनाव में हम भी लहराएंगे अपना झंडा। जी हाँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में जातीय गणना करवाई होती तो आज आजमगढ़ में भी राजभर, मल्लाह, चौहान, नाई, धोबी के बच्चे सिपाही और दरोगा होते। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, बैठक में निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने पर बनी सहमति। जी हां, बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं का शुरू हुआ प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार आज समाप्त हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और प्रदेश सरकार की वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की कैबिनेट उप समिति के बीच वार्ता में आज पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने की सहमति बन जाने के बाद कार्य बहिष्कार समाप्त करने का ऐलान हो गया है। दोनों मंत्रियों और मुख्य सचिव आर के तिवारी की मौजूदगी में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधक के बीच समझौते पर दस्तखत किए गए। खुशखबरी, पीएम किसान का नहीं मिला पैसा तो अब मिलेगा, 1 मई से सरकार शुरू करेगी बड़ा काम। जी हां दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम अब तक 13वीं किस्त देश के किसानों को मिल चुकी है और इससे अब तक करोड़ों किसान लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा। सरकार अब तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के रकम किसानों के खाते में डाल चुकी है। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की साख को सत्यापित करने और ज्यादा पात्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए 1 मई से 30 मई तक एक अभियान शुरू करेगी। बता दें कि राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि केंद्र द्वारा 2018 में योजना शुरू करने के बाद से 26 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 52,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के कृषि विकास मंत्री ने ये भी कहा है कि हमने 1 मई से 30 मई तक एक मेगा ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है, जहां लेखपाल भूमि रिकॉर्ड सत्यापित करेंगे और इसे वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इसके बाद जिन जिन को पैसा नहीं मिला है उनकी सम्मान निधि की रकम खाते में जमा होगी। यूपी के हर प्राइमरी स्कूल में होगी बिजली, डिजिटल पढ़ाई और चलेगी स्मार्ट क्लास। जी हाँ दोस्तों, यूपी के प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में बिजली की सुविधा होगी। कनेक्शन के लिए स्कूलों के प्रधानाध्यापक बिजली विभाग के पोर्टल पर आवेदन करेंगे। स्कूलों में बिजली की सुविधा होने पर डिजिटल पढ़ाई और स्मार्ट कक्षाएं संचालित करने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही स्कूलों में पंखे चलने पर बच्चों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। कनेक्शन में जिला प्रशासन सहयोग करेगा। यूपी में बेटियों के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार दे रही है 15,000 रुपए।
जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में जन्म लेने वाली बच्चियों को 15,000 रुपए आर्थिक मदद दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 2019 में ही हुई थी, लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी 60% लोग स्कीम का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक अब कन्या सुमंगला योजना के तहत 9.36 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा लें।